बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार अहमद के बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुनते हैं। कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? तो रास्ता था समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना मा'या रब्बी सयहदीन। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम अना माकुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए। यही बात हुई हुजूर के साथ। गार है, छुपे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके वो यार गार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इकबाल ने हजरत अबू बकर की शान में चंद अशार कहे सिर्फ, लेकिन वाकया ये है कि भारी भारी नज्मों पर और कसीदों पर भारी है। तवील तरीन नज्में और कसीदे हों उन पर भारी है। हिम्मते ऊ अबू बकर की हिम्मत जो है, किश्ते मिल्लत राज अब्र, जैसे बारिश से खेती उपजती है, अबू बकर की हिम्मत और अजीमत इस उम्मत को इसी तरह सींचने वाली है। सानिये इस्लाम ओ गारो बद्रो कब्र, वो दूसरे थे इस्लाम में, दूसरे पहले कौन थे? अना अव्वलुल मोमिनीन, हुजूर फरमाते हैं सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं, दूसरे अबू बकर। वैसे हमारे यहां ये चलता है इख्तलाफ, हजरत अली पहले हैं कि हजरत अबू बकर पहले हैं, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत तत्वीक कायम की है उलमा ने और बहुत सही है। चार के बारे में फैसला ही मत करो कि कौन पहले है। उनकी एक अजीब तकसीम कर दी है, आजाद मर्दों में, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर, बच्चों में सबसे पहले अली, खवातीन में सबसे पहले खदीजा, और गुलामों में सबसे पहले जैद इब्ने हारिसा। बड़ी प्यारी तकसीम है, ये चारों ही पहले हैं, हर एक के लिए अवलियत है। और वाकया ये है कि अगर जमानी एतबार से तायुन होगा तो पहले खदीजतुल कुबरा आएंगी रजी अल्लाह ताला अन्हा। किसी और से बात करने की नौबत बाद में आ सकती है, पहले तो अहलिया मोहतरमा से बात हुई, आते ही पहली वही हुई है, अभी तबलीग का हुक्म नहीं था। किसको बताया वाकया? अभी अपनी नबूवत की तबलीग का तो हुक्म ही नहीं आया। वाकया किसका है? वो खदीजा का है। जब कहा है कि खशी तो अला नफसी, मुझे अपनी जान का अंदेशा है, तो क्या जवाब दिया खदीजा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा? वो सिद्दीकतुल कुबरा है। सिद्दीकात जो है खवातीन, उनमें चोटी पर खदीजतुल कुबरा है रजी अल्लाह ताला अन्हा, और सिद्दीक जो मर्द हैं उनमें सिद्दीक अकबर है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन सिद्दीकात में चोटी पर। जब हुजूर ने फरमाया खशी तो अला नफसी, क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, कैसे तसल्ली दी? नहीं नहीं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप मसाकीन के तकालीफ रफा करने वाले हैं, आप बेवाओं की सरपरस्ती करते हैं, आप मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा। यह यकीन है उस खातून के अंदर। खैर, वो एक अलहदा बात हो जाएगी। मेरे दिल पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत का बड़ा गहरा नक्श है, जो वो कोई और ही वक्त और मौका हुआ तो बयान होगा। बहरहाल, इकबाल ने एक मिसरे में जो चार अव्वलियतें जमा कर दी हैं, हिम्मते ऊ किश्ते उम्मत राचु अब्र, सानिये इस्लाम ओ गारो बद्रो कब्र, इस्लाम में हुजूर के बाद पहले कौन? अबू बकर। गार में हुजूर के साथ कौन? अबू बकर। बद्र की रात अल्लाह का रसूल सरबसजूद, वो झाड़, वो घास फूस की जो झोपड़ी बनाई गई थी, और वहां तलवार नंगी लेकर पहरा देने वाला कौन? अबू बकर।
और उस हुजरे आयशा में मोहम्मद के बाद सबसे पहले दफन होने वाला कौन? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो मामला मैं सुना रहा था गार सौर का, हजरत अबू बकर भी हुजूर के ख्याल से लरस गए हैं। आपको याद होगा कि जाकर पहले तमाम जितने सुराख थे उन्हें बंद किया है, एक सुराख रह गया था जिसको बंद करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, वहां अपनी एड़ी रखी है। तब कहा है हुजूर से तशरीफ लाइए, और अपने जानू पर हुजूर को लिटाया है, और वहां किसी मूजी जानवर ने काटा है, हुजूर की आंख लग गई थी उस वक्त, उस बिल के अंदर जो भी बिच्छू है क्या है वल्लाहु आलम उसने काटा है। उसकी तकलीफ की वजह से अबू बकर की आंखों से आंसू टपक गए, हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़े हैं, तो हुजूर जागे हैं, मामला क्या है? एड़ी नहीं हटाई वहां से, मबादा वो जानवर वहां से निकलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई गजन पहुंचा दे। अबू बकर की एड़ी है, जिस तरह चाहे खा ले, खत्म कर दे, जान निकल जाए तब कोई आंच आए मोहम्मद पर तो आए, लेकिन जीते जी नहीं। वो है अबू बकर हुजूर के ख्याल से उस वक्त। हुजूर ने फिर अपना लुआबे दहन लगाया है और उससे फिर आपकी तकलीफ खत्म हुई। जैसे खैबर में हजरत अली की आंख दुख रही थी, उसको जो शिफा हासिल हुई है वो भी हुजूर के लुआबे दहन से हुई। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने कहा है कि ए नबी या रसूल अल्लाह, अगर इस वक्त इनमें से किसी ने गैर इरादी तौर पर भी अपने कदमों की तरफ झांक लिया तो पकड़े जाएंगे। क्या जवाब था अल्लाह के रसूल का? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, क्यों घबराते हो? बकर ये है ईमान बिल्लाह, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राजिक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह, मेरा पुष्ट पनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की जो लुब लुबाब है, हासिल है ईमान का, इसी का नाम विलायत है। औलिया अल्लाह के सरों पर सींग नहीं होते, जिसके दिल में ईमान राशिख हो चुका हो वही अल्लाह का वली है, जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है, जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, मेरा मददगार, मेरा पुष्ट पनाह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, मेरा मुहिब। अल्लाह अहले ईमान से मोहब्बत करता है, वल्लाहु युहिब्बु सादिकीन, इन अल्लाह युहिब्बुल लजीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ्फन कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अहले ईमान महबूब, और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब। वल्लजीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, आप तसव्वुर कीजिए जिसे ये रिश्ते ईमान या रिश्ते विलायत हासिल हो जाए, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों के लिए ना कोई खौफ है ना कोई हुज्न है। और मैं बयान कर चुका था, खौफ और हुज्न के खात्मे ही का नाम अमन है। जवाल खौफ, जवाल हुज्न, ये खौफ और हुज्न क्यों आते हैं बार बार? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, दोनों आ गए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर वही दो, वो क्यों है? खौफ होता है किसी मुस्तकबिल की बात का, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नुकसान ना पहुंच जाए, ये तकलीफ ना हो, ये गजन ना आ जाए, खौफ है मुस्तकबिल से। हुज्न है, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरा फला चीज मेरे हाथ से जाती रही है, फला मौका निकल गया, अब बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, सदमा है और रंज है। और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो जानता है, मा साब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अन्फुसिकुम इल्ला फी किताब मिन कबल अन नबराहा इन ज़ालिका अलल्लाह यसीर लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर। इस जमीन में या तुम्हारी जानों में कोई तकलीफ कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके के जो अल्लाह ने लिख दी हो इससे पहले कि वो जाहिर हो। जिसको ये हकीकत मालूम हो गई उसको ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, जो चीज छिन जाए जाती रहे छूट जाए उस पर अफसोस ना करो। किसने छीनी? दोस्त ने, दोस्त के फैसले पर शिकायत, दोस्ती को बट्टा लगा रहे हो, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर दोस्ती है तो फिर तो तुम्हें गर्दन झुकानी चाहिए कि हर चे साकी मारीख तैन अल्ताफस्त, जो भी मेरा साकी मेरे प्याले में डाल दे उसका करम है।
जो उसकी तरफ से आए उस पर कोई रंज नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, और जो होगा वो उसके इज्न के बगैर नहीं होगा, और उसका इज्न होगा तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है, चाहे वो नागवार शय हो, बज़ाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो, मेरी शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे वो नजर आ रही है कि मेरे लिए बुरी है, लेकिन कुरान ने कहा है आसान तक रहू शयन वह खैर उल्लको व आसान तो हिब्बू शयन वह शर उल्लको वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो दरा हाल है कि उसी में तुम्हारा खैर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो दरा हाल है कि उसमें तुम्हारा शर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जब मुझे ये बात मालूम हो गई, मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया, सुपर तुम बे तो माया खेशरा उदानी हिसाब कमो बेशरा, ए रब जो तू चाहता है वो हो, तेरे इल्म में जो शय मेरे लिए खैर है वो हो जाए, मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, ये है राजी ब रजाए रब। अकबर अलाबादी ने इसे कहा है रजाए हक पे राजी रहे, ये हर्फ आरजू कैसा, खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा का हुक्म तू कैसा, जब मैं आ गया बीच में, मेरी पसंद मेरी मर्जी मेरी ख्वाहिश मेरी चाहत, यही तो शिर्क है। मा शा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, जो उसने नहीं चाहा नहीं हुआ, इख्तियार उसका है मेरा तो नहीं। रजाए हक पे राजी रहे, ये हर्फ आरजू कैसा, खुदा खालिक खुदा मालिक खुदा का हुक्म तू कैसा। इकबाल ने इसे कहा है फारसी में, अब आप कहें उसका तर्जुमा भी करो तो वो मुझे जरा इस वक्त कुछ बहुत ही बदजौकी किसी बात नजर आएगी, जाइए पूछिए किसी से जिसे फारसी आती हो। बरू कशीद पेचा के हस्तबूद मरा चे उदहा के मकाम रजा कशूद मरा, मुझे तो तमाम पेचो खम से निकाल दिया इस मकाम रजा ने, मैं राजी ब रजाए रब हूं, जो फैसला उसका मैं उस पर राजी, तो कहां का हुजन और किसका खौफ, यही जवाल हुजन और जवाल खौफ, यही है अमन, ये नतीजा है ईमान का। तो जान लीजिए ये है लुब लुबाब, ये है हासिल ईमान का, ये है तो ईमान है, ये नहीं है तो ईमान नहीं है।